को नमस्कार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही कन्नौज उत्तर प्रदेश से, जहां नाला बना लोगों की मुसीबत। कछुआ गांव में पिछले 7 साल से गांव में गिरने वाला नाला ग्रामीणों के लिए बना मुसीबत। युवाओं की नहीं हो रही है इसकी वजह से शादियाँ। कहने को तो इस दुनिया में कई कुंवारे हैं, लेकिन उनके शादी न होने के अलग अलग वजह हो सकती हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कन्नौज का एक ऐसा गांव जहां नाले का गंदे पानी के कारण युवाओं की शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते यहां कुमारों की एक बड़ी फौज तैयार हो चुकी है। शादी न होने के कारण यहां के कई युवक गांव से पलायन कर चुके हैं। कुमारों का यह गांव कन्नौज के सदर ब्लॉक स्थित कछुआ है। कछुआ गाँव में पिछले 7 साल से युवकों की शादी शहर से गाँव में गिरने वाले एक नाले ने रोक रखी है। इस गांव में रोजाना इत्र नगरी का लाखों लीटर गंदा पानी आकर गिरता है, जिसके चलते यहां की 70% से ज़्यादा खेती बर्बाद होती रहती है। गांव में भी नाले का गंदा पानी भरा रहता है। जब कोई लड़की वाला यहां वर दिखाई के लिए आता है तो गांव की बदहाली देखकर बैरंग वापस चला जाता है, जिसके चलते यहाँ कुंवारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कई कुंवारे युवक शादी करने के लिए गांव छोड़कर महानगरों में बस गए हैं। गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने सांसद से लेकर कई अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुंवारों के इस गांव के लोगों का दर्द आप खुद सुनिए क्या कहते हैं वो लोग। कन्नौज उत्तर प्रदेश से संवाददाता शिबू सैनी, खास रिपोर्ट एंग्लो इंडियन न्यूज़। आप देख रहे हैं इत्र नगरी कन्नौज से निकलने वाले इस गंदे नाले को, जो कि गाँव के तरफ फैल जाता है, जिसके किनारे बसने वाले गाँव की स्थिति होती जा रही बद से बदतर। नाले की वजह से गाँव के लोगों की नहीं हो रही शादियां। युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार होती जा रही है, जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बना चिंता का सबब। आशा है इस खबर को देखने के बाद शासन प्रशासन मामले में संज्ञान लेगा और कहीं ना कहीं लोगों को समस्या से निजात अवश्य मिलेगी। इसमें सर ये है कि ये कन्नौज का जो सरामीरा का पानी आता है नगर पालिका वाले, उन्होंने कहा कि नगर पालिका तक यहाँ तक नाला पक्का ढेल देते हैं और यहाँ से पूरा सफाई करके छोड़ देते हैं। ये हम लोगों की SC की जमीन जितनी पड़ रही है यहाँ पे छोड़ दें। इसके आगे कई बार हम लोग तहसील दिवस में 3-4 बार दरखास्त लगाई, उनके पास भी गए तो कहते हैं तो इनका छानबीन कर लेंगे, लेकिन कोई छानबीन नहीं, ना कोई आता है और ना कुछ भी। आते हैं तो देख लेते, कहते हैं यहाँ तो पानी भरा है, ये लोगों का देखते हैं 2-4 लोगों का, हम लोगों का कोई वो नहीं करता। यहाँ से लेके अगर ये नाला सीधे निकल जाए 1 किलोमीटर टेढ़ी नदी से इधर हो सकता है, या कालिंद्री नदी यहाँ पे सर दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर एरिया में, लेकिन नहीं, इसे सुनवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर SC लोगों की इतनी खेती और लोगों का, हम लोगों को बहुत ज्यादा दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। शादी वाले आओ तो लौट जात भैया, और कहा है बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे ना, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए पानी भरा सबका ना, कुछ घर जब हो ही नहीं तो हम कर कहां पाए। गांव में कितने लड़के कबारे घूम रहे हैं भैया? अरे कुल कुमारे घूम रहे हैं। तो इसी समस्या की वजह से आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत है, हमारे लोगों को बहुत दिक्कत है। शादी वगैरह करे मकान जब नहीं बने हुए तो मकान कब ये चारों गति भरे हुए, जब शादी कहाँ से हुई जब पानी भरे रही मकान, ये देखो चारों गति मकान के रात साथ सब पानी भरे, हल्ले नहीं भरे कोई चीज गेहूँ करे। लड़के लड़की वाले रिश्ता लेके आते वो लौट जाते हैं, लौट जाते हैं जब उनके खेती पानी भरे हैं जो, और यहाँ मेरी खेती तो है यहीं पर इन लोगों के लिए, जब 200 बीघा यहाँ बूढ़ी पड़ी तो आगे हर आदमी देखता है कि इनके तिर गाँव में यह समस्या है। बहनी बेटे निखरवे की जगह नहीं है, टट्टी पा खाना खा जाए कहाँ जाए, पानी सब बहुत भरा है, पानी कहाँ मेरा नगर नगर तहसील सब पानी सब भेने होता है। ये नाला बना इसने कहने लो है नाला, बाकी पानी आ गए नहीं। इस समस्या की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं? बच्चे शादी भी आना हो पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही, लड़के वाला बच्चे के लौट जाते और कोई साधन नहीं है ना, और कोई गांव के कितने लड़के कबारे घूम रहे हैं इस वजह से? 40,000 लड़के घूम रहे शादी का, शादी वाले सब तो जब आते हैं तो क्या क्या लौट जाते हैं? पानी देखते हो जाते हैं, ये पूरे शहर का पानी यही आ रहा, इससे बीमारी भी बहुत है, मच्छर भी बहुत आते हैं, सब लोग पानी पीते हैं, इसका छनछन फिल्टर वाला पानी यही हम लोग नलों में आता है यही पीते हैं। तो बड़ी समस्या बहुत बड़ी, ये पानी से बहुत संकट भारी है।